समाज सेवी यहाँ पर पहुँचे हैं, नरेश बंसल जी है, तो नरेश बंसल जी से मैं बात करवाऊंगा। सर क्या बताएंगे, जैसे टोहाना के अंदर इतना विशाल कुश्ती दंगल, क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो सबसे पहले अपने जो कुश्ती दंगल की ये जो कमेटी है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर और इतना सुचारू रूप से हमारे शहर के अंदर इसका कुश्ती का आयोजन किया है। हमारे इंटरनेशनल और सब जो दूर दूर से पहलवान आए हैं, हमारा शहर का नाम रोशन हुआ है। तो सर क्या लगता है कि आगे आने वाले समय अगर ऐसे आयोजन होते हैं तो शहर के अंदर कहीं कहीं युवाओं का अच्छा मार्गदर्शन होगा, आप भी अच्छा सहयोग दे रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे लोगों को ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर आना चाहिए? मैं तो यही कह रहा हूँ इन कमेटी को भी और हमारे युवाओं से भी कि ये सब इन अब जो हमारा पुरातन ये खेल है इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि ये हमारे देश की परंपरा चलती रहे और जो हमारे युवा हैं वो नशे से दूर रहे। और हम एक बात फिर कहना चाहते हैं कि हमारे युवाओं के साथ हम फिर कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तो हमारे साथ नरेश बंसल देश समाज सेवी, काफ़ी अग्रणी रहते हैं सामाजिक कार्यों में, तो राजपाल सैनी जी क्या मैसेज देंगे जो आज का ये कार्यक्रम है? ये बहुत अच्छा संदेश है और बधाई दूंगा जो टोहाना की ये दंगल करा रही कमेटी को कि ऐसे खेल निरंतर चलते रहने चाहिए, भाईचारा बना रहता है और अच्छे प्लेयर माटी से ही निकलते हैं, जो ओलंपिक लेवल पे भी खेलते हैं, जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा। शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे साथ इस दंगल में टोहाना के सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे मैं एक बार बात करवाना चाहूँगा। सर टोहाना के अंदर इतना बड़ा आयोजन है तो क्या लगता है ऐसे आयोजनों से क्या लाभ मिलता है जैसे युवाओं के लिए? ऐसे आयोजनों से लाभ यही मिलता है जो हमारे खेल को देख के पब्लिक आती है तो इनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए। मेन बात तो नशे की है, नशा करना छोड़ देंगे तो बड़े अच्छे अच्छे पहलवान हमारे एरिया से निकल तो काफी निकल भी रहे हैं जी। तो सर दंगल की अगर बात करें, जैसे पुराने समय में काफी होते रहे लेकिन अब कहीं कहीं विलुप्त हो रहे, तो क्या लगता है इस दंगल से आगे औरों को भी प्रेरणा मिले कैसे? सर ये हमारा जो खेल है ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये पीछे लुप्त हो गया था, पीछे 2 साल से लगभग कोरोना चल रहा है, उसका तो बिल्कुल दंगल ही बंद हो गया। उससे पहले चलते रहे कुछ एरिया है जिसमें दंगल करवाए जाते हैं, जैसे लगभग भिवानी हो गया, आपका इशहार हो गया, इससे ज़्यादा रोहतक इसके अलावा और कहीं है नहीं जी। शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं जो लगातार है दंगल में, आपको दिखाई देगा कितने भारी संख्या में जो लगातार यहाँ पर दर्शक मौजूद है, और हम चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर जो विशाल कुश्ती दंगल जैसे हम लगातार आपको यहाँ से दिखा रहे हैं टोहाना से, तो फिलहाल के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें टीवी न्यूज़ के साथ।